राजस्थान में गुंडागर्दी किस कदर बढ़ती जा रही है इसकी बानगी इन तस्वीरों में है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी पूछेंगे कि राजस्थान में किसका राज। राजस्थान में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि ना तो उन्हें कानून का खौफ है और ना ही पुलिस वालों का कोई डर। बदमाशों के हौसले भी ऐसे कि पुलिस वालों तक को बख्शने को तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान के शांत और खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कई घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में एक के बाद एक भर्ती कराया जा रहा है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी इलाके में रणिया गैंग एक्टिव है। उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य मांडवा इलाके में गुरुवार शाम एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों पर इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने पथराव किया और भागने के दौरान भी हमला किया। उदयपुर पुलिस रणिया गैंग के हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए गई थी, जिसके बाद रणिया के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने पुलिस पर ही पथराव कर इसको भगाने में मदद की। रणिया आदिवासियों में रॉबिनहुड है, आदिवासी युवाओं में इसका क्रेज है, यह उन्हें आर्थिक मदद भी करता है। पुलिस और रणिया गैंग की इस मुठभेड़ में SHO समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कांस्टेबल मनोज की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं उदयपुर पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी, मांडवा थाना क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने गए पुलिस बल पर बदमाशों द्वारा अंधेरा का फायदा उठाकर पत्थरों लाठियों से हमला किया गया। इस दौरान इलाज से स्पष्ट हुआ कि पुलिस कर्मियों की गोली नहीं लगी है, सभी पुलिस कर्मी लाजरत है एवं खतरे से बाहर है। पुलिस बल की गोली से घायल होने की खबर गलत है। तो वहीं BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान कांग्रेसी जंगल राज में बदमाश किसी को भी मार देंगे, अपहरण कर लेंगे, पत्थरबाजी दंगा करेंगे। उदयपुर में आज थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। इस शासन में उन्मादियों को इतनी शय है कि पुलिस के हाथ बंधे हैं। आमजन के साथ पुलिस भी असुरक्षित है। उदयपुर रेंज के IG अजयपाल लांबा ने बताया कि रणिया गैंग के स्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने के लिए गांव में गई थी। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी और इसी के चलते पुलिस गांव में पहुंची थी। और क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। मांडवा थाना क्षेत्र में आज शाम करीब 7 बजे कुकावास क्षेत्र में एक अपराधी के होने की सूचना मिली थी। ये अपराधी लूट डकैती इस तरह के प्रकरणों में कई जगह वांछित होने के साथ साथ मांडवा में भी पिछले 1 महीने पहले हुई वारदात में वांछित था। इस सूचना पर थानाधिकारी में पुलिस बल के दबिश देने पहुँचे। दबिश के दौरान जो ही थानाधिकारी और जाप्ता इसके घर के नज़दीक पहुँचता है तो इन अपराधियों के द्वारा घात लगाकर चारों तरफ से इन पर हमला कर दिया जाता है। हमला में पथराव करते हैं, पथराव करने पर जो भगदड़ होती है उसमें पुलिस पर लाठियों से चाकू से हमला करते हैं। अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है, उसमें पुलिसकर्मी उस अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से पत्थरों से चाकू से वार किया जाता है, उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। 7ों का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7ों आउट ऑफ डेंजर हैं। जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है जिला कलेक्टर उदयपुर और हॉस्पिटल अधीक्षक के नेतृत्व में सारी डॉक्टर्स की टीम बेस्ट इलाज के लिए यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम इलाके में कोर्डोन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है। सर फायरिंग की भी सूचना है क्या? हाँ, अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में पुलिस कर्मी के अभी तक कोई गोली लगने जैसा अलामत नहीं मिले। घटना में के पश्चात क्योंकि पुलिसकर्मी घायल हो गए, उस दौरान आरोपियों द्वारा एक SLR और एक पिस्टल छीनने की जानकारी प्राइमा फेसाई मिली है। अभी तक SLR और पिस्टल मिसिंग है।
इसमें एक अपराधी जो पूर्व में भी अपराध करता रहा है, मांडवा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर रहा है, रणिया का बेटा है खाजरू वांछित चल रहा था और उसी के लिए पुलिस गई थी। पुलिस बदमाश के घर पहुंचे तो रिश्तेदारों ने पुलिस को चारों तरफ से घेरा, हथियार छीने। इस दौरान ग्रामीणों ने हिस्ट्री शीटर को भगा डाला। ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट की, डंडों से पुलिस कर्मियों को चोटें आई। इस दौरान ग्रामीणों ने फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि राजस्थान में अपराधियों में खौफ, आमजन में फिर से विश्वास कब जागेगा। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।